प्रयागराज की ओर ले चलते, जहाँ श्रीमठ बागम्बरी गद्दी में दिखे बाल व्यास आचार्य श्री रविनंदन जी। जी हाँ, प्रयागराज जिले में जब प्रयाग एक्सप्रेस की टीम मठ बागम्बरी गद्दी में पहुँचती तो वहाँ पर बहुत ही छोटी उम्र में श्रीमद् भागवत कथा को लगा लेने वाले बाल व्यास रविनंदन जी से मुलाकात हुई। जब प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज उनके बारे में जानने की कोशिश किया तो उन्होंने क्या कुछ बताया और कहा श्रीमद् भागवत देव सनातन संस्कृति बारे में, आए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम तीर्थराज प्रयाग में हैं। आज हम प्रयागराज के उस मठ में आए हैं जो अपने में प्रतिष्ठित ही नहीं दूर दूर तक जाना जाता है, श्री मठ बागम्बरी गद्दी। और हम यहाँ पे मिलते हैं श्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज के परम शिष्य श्री रविनंदन जी महाराज जी से, जो श्रीमद् भागवत कथा को कम उम्र में बहुत ही अच्छी तरीके से लगाए हैं और लगभग भारत के अनेक राज्यों में अपनी कथा का प्रचार प्रसार किए हुए हैं। महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, आप किस उम्र में कथा का प्रारंभ किए कुछ बताएंगे? जी भैया, मुझे हो गया जब 13 साल की उम्र थी, तब से हम कथा का वाचन कर रहे हैं और बोले से महाराज जी के आशीर्वाद से चल रहा है। महाराज जी, जैसे अभी आप कथा का विस्तार आज आपसे मुलाकात अचानक हुई, तो आप हाल में कौन सी कथा आपकी होने वाली है कुछ बताएंगे? कहाँ? जी जी, ये नवरात्रि में शारदा धाम मैहर में बड़ी इच्छा थी कई दिनों से, लेकिन ऐसा संयोग नहीं बन रहा था। शायद माँ की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद, यही चैत्र नवरात्रि 25 तारीख से है, तो भगवत कलश यात्रा के साथ महाराज जी का आगमन भी है, तो यही 25 से 2 तक शारदा धाम में कथा है। 25 से 2 तारीख तक नवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पर शारदा धाम मैहर, जहाँ तिल रखने की जगह लोगों को नहीं मिलती, ऐसे शारदा धाम में पूज्य महाराज श्री की कथा है। तो महाराज जी, कथा में कहाँ कहाँ से कुछ विशेष लोग आए जी, बताएंगे? जी, पंजाब, जालंधर, दिल्ली, मुंबई और बिहार, पटना, मतलब कई सीट से हैं जो आएंगे दर्शन करने के बहाने और कथा श्रवण करने के बहाने। सारे लोगों को आमंत्रित किया गया। महाराज जी, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से आप क्या कुछ संदेश देंगे अपनी कथा के लिए? कथा के लिए देखिए, ऐसा है, कथा तो सब कोई करता है, कथा वही है। कथा का मतलब है कथा श्रवण करके जो अपने जीवन में उतार लेना, कथा की सार्थकता वही है। इसलिए सभी से यही अनुरोध है कि कथा श्रवण करते हुए और जो कुछ बातें व्यासपीठ में, कोई इंसान कथा नहीं करता है, वो व्यासपीठ की महानता होती है और व्यास के अंदर बैठकर भगवान स्वयं वक्ता बनकर लोगों को संबोधित करते हैं, तो उस व्यास के पीठ के माध्यम से कथा जो प्रवाहित होती है उसको श्रवण करने के बाद अपने हृदय में उतार लेना चाहिए, यही कथा का महत्व है। महाराज जी का कहना है कथा श्रवण करने के बाद उसका अनुकरण भी करना चाहिए। शिवम नंदन त्रिपाठी की खास रिपोर्ट, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर।